हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना ने एक जान ले ली है और हिमाचल प्रदेश में ये सातवां मामला निकल के आया है और कुल मामले अब हिमाचल प्रदेश में 807 हो गए हैं। जानते हैं पूरी खबर कहां का मामला है और कहां कितने केसेस आए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कोरोना वायरस से हिमाचल में सातवीं मौत हो गई है। बवारना तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के 52 वर्ष कोरोना पॉजिटिव ने गुरुवार को नेर चौक मेडिकल कॉलेज मंडी में दम तोड़ा। मृतक को 23 जून को नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। मृतक किडनी और मधुमेह का रोगी था। गुरुवार सुबह तबीयत काफ़ी बिगड़ने से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति 20 जून को जोनल अस्पताल धर्मशाला में दाखिल किया गया था जहां पर इसका कोरोना को लेकर सैंपल लिया गया था। वहीं 23 जून को पॉजिटिव पाया गया था और इसी दिन इसे धर्मशाला जोनल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज नेर चौक एम्बुलेंस में लाया गया। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कोरोना से व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। वहीं हमीरपुर में गुरुवार को कोरोना का एक और मामला आया। इसी के साथ अब राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 807 हो गया है। बड़ी खबर निकल के आई जिला ऊना से, जहाँ पर 92 वर्षीय महिला ने कोरोना पर जीत पाई और वहीं अब 468 मरीज हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 319 हैं, 11 राज्य के बाहर चले गए हैं, 7 की मौत हो गई है। आने वाली कोई भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।